बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी करेंगे। चैप्टर नंबर 9 है, 10 टीचर्स। ओके, हाइपरटेंशन इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मेडिकल डिसऑर्डर दैट यू एनकाउंटर इन प्रेगनेंसी। हाइपरटेंशन इज़ कॉमन इन प्रेगनेंसी। अप्रॉक्सीमेटली 1 in 10 वुमेन विल हैव 1 or more एपिसोड्स ऑफ रेज्ड ब्लड प्रेशर प्रायर टू डिलीवरी। ठीक है, यानी कि हर 10 में से एक खातून ऐसी है जिसको ब्लड प्रेशर जिसका ज़्यादा होता है डिलीवरी से पहले। एक एपिसोड होगी या एक से ज़्यादा उसकी एपिसोड्स होती हैं डिलीवरी से पहले। द मेजॉरिटी हैव अ बेनाइन कंडीशन कॉल्ड गेस्टेशनल हाइपरटेंशन विच इज़ नॉट एसोसिएटेड विद एडवर्स आउटकम। ठीक है, एंड हाउ एवर 1/3 ऑफ दीज वुमेन 3% ओवरऑल विल डिवेलप प्री एक्लेम्पशिया। ठीक है, तो जिनको हाइपरटेंशन डिवेलप हो रही है 10 टीचर्स कहती हैं उनमें से 3% को प्री एक्लेम्पशिया बाद में डिवेलप हो जाता है। एंड प्री एक्लेम्पशिया इज अ लीडिंग कॉज ऑफ मेटर्नल डेथ। WHO estimates that globally 50,000 to 75,000 women die of this condition each year, and furthermore preeclampsia is frequently accompanied by fetal growth restriction. Preeclampsia ke apne jo fetal maternal effects hain usme one of the effect is intrauterine growth restriction. Whenever a patient comes to you for with raised blood pressure, and the first concern is that about the fetus is its growth, either the baby is growth restricted or not. So which is responsible for considerable perinatal morbidity and mortality. An increasing number of women enter pregnancy with chronic hypertension, and this is associated with increased risk for both mother and baby, including an increased risk of preeclampsia and fetal growth restriction. तो कह रहे हैं कि ज़्यादातर ख़वातीन जो है वो क्रोनिक हाइपरटेंशन के साथ भी आ रही हैं। बट इम्पॉर्टेंट कंसीडरेशन क्या है कि प्री एक्लेम्पशिया इज़ एसोसिएटेड विद इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। क्लासिफिकेशन क्या है हाइपरटेंशन की, अगर आप प्रेगनेंसी में क्लासीफाई करना चाहें तो किस किस तरीके से हाइपरटेंशन आपको प्रेगनेंसी में मिलती है। वाइडली एग्रीड क्लासिफिकेशन फॉर द हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी सिंपली पुट प्रेगनेंट वुमेन हु डिवेलप और प्रेजेंट विद हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी हैव वन ऑफ थ्री कंडीशंस। कौन कौन सी कंडीशंस हैं? नॉन प्रोटीन यूरिक प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, नॉन प्रोटीन यूरिक मीन्स कि जिसके अंदर प्रोटीन यूरिया अभी नहीं होता तो हम उसे क्या कहेंगे? प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, प्री एक्लेम्पशिया। प्री एक्लेम्पशिया बेसिकली प्रोटीन यूरिक हाइपरटेंशन को ही हम कहते हैं। जब प्रोटीन यूरिया आ जाता है विद हाइपरटेंशन तो हम उसे कहते हैं प्री एक्लेम्पशिया डेवलप हो गया। एंड थर्ड वन इज़ क्रोनिक हाइपरटेंशन। एंड अब इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि हमने इसको डिफाइन कैसे करना है, देखते हैं अगर इन्होंने आगे डिफाइन किया, अदरवाइज़ फिर मैं आपको बताती हूँ। नॉन प्रोटीन यूरिक प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन अदरवाइज नोन एज गेस्टेशनल हाइपरटेंशन इज हाइपरटेंशन दैट अराइजेज फॉर द फर्स्ट टाइम। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि किसको आप नॉन प्रोटीन यूरिक हाइपरटेंशन कह रहे हैं या गेस्टेशनल हाइपरटेंशन कह रहे हैं। दिस इज द प्रेगनेंसी हाइपरटेंशन दैट अराइजेज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी एंड इन द एबसेंस ऑफ प्रोटीन यूरिया। क्योंकि जब प्रोटीन यूरिया डेवलप होगा तो फिर दैट इज़ नॉट प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, दैट इज़ नॉट गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, दैट इज प्री एक्लेम्पशिया। इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद एडवर्स प्रेगनेंसी आउटकम एंड माइल्ड टू एंड मॉडरेट इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर इन दिस सेटिंग डू नॉट रिक्वायर ट्रीटमेंट। हाउ एवर अप टू 1/3 ऑफ वुमेन हु प्रेजेंट विद द गेस्टेशनल हाइपरटेंशन विल प्रोग्रेस टू प्री एक्लेम्पशिया। अब वही बात जो हमने ऊपर भी की है कि जितनी पेशेंट आपके पास गेस्टेशनल हाइपरटेंशन के साथ आएंगे उनमें से 1/3 जो हैं वो किस में एंड अप होंगे या किस क्या डेवलप करेंगे? प्री एक्लेम्पशिया डेवलप करेंगे। वुमेन हु हैव कन्फर्म्ड क्रोनिक कन्फर्म्ड हाइपरटेंशन इन फर्स्ट हाफ ऑफ प्रेगनेंसी मोस्ट लाइकली हैव क्रोनिक हाइपरटेंशन। द मेजॉरिटी विल हैव एसेंशियल हाइपरटेंशन बट दिस इज द डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन एंड सेकेंडरी कॉजेज शुड बी एक्सक्लूडेड। अब ये क्या बात कर रहे हैं, ये दोनों पॉइंट्स जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर आप डिफाइन कर रहे हैं फर्स्ट क्रोनिक हाइपरटेंशन को और गेस्टेशनल हाइपरटेंशन को। तो इंपॉर्टेंट कट ऑफ लाइन इज़ 20 weeks। यहाँ पर तो फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ की बात है ना, तो फर्स्ट हाफ टोटल हाफ अराउंड 40 weeks का होता है। तो फर्स्ट हाफ इज़ अगर कट ऑफ वीक्स की में बात की जाए तो 20 weeks। बिफोर 20 weeks इफ हाइपरटेंशन
develop, that is chronic hypertension, and if hypertension develops after 20 weeks of gestation, that is gestational hypertension. The majority will have essential hypertension, that is, sorry, जहाँ क्रोनिक हाइपरटेंशन की बात आ गई, तो क्रोनिक हाइपरटेंशन की फर्दर आगे कॉज क्या है, तो क्रोनिक हाइपरटेंशन की फर्दर कॉज उन्होंने कहा कि मेजॉरिटी जो है वो एसेंशियल हाइपरटेंशन के साथ आती है, ठीक है, बट दिस इज़ द डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन एंड द सेकेंडरी कॉजेज शुड बी एक्सक्लूडेड. क्रोनिक हाइपरटेंशन ऑफ वट एवर टाइप, कोई भी टाइप हो, कैन प्रोडिस्पोज टू द लेटर डेवलपमेंट ऑफ प्री सुपर इम्पोज प्री एक्लेम्शिया इवन इन द एब्सेंस ऑफ सुपर इम्पोज्ड प्री एक्लेम्शिया. क्रोनिक हाइपरटेंशन इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड मेटरनल एंड फीटल मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी. फीटल मॉर्बिडिटी एंड द प्रेगनेंसी इज कॉम्प्लिकेटेड बाई क्रोनिक हाइपरटेंशन शुड देयर फॉर बी रिगार्डेड एज हाई रिस्क. तो बेसिकली क्या होगा कि ये क्रोनिक हाइपरटेंशन के अंदर कौन कौन सा आपके पास आउटकम आ रहा है, एक तो उसके अंदर सुपर इम्पोज प्री एक्लेम्शिया डेवलप हो सकता है, ठीक है, और उसके अलावा फीटल मेटरनल मॉर्बिडिटी तब भी ज़्यादा है कि सपोज प्रीक्लेम्शिया नहीं भी डेवलप होता तो प्रेगनेंसी जो है कॉम्प्लिकेट हो सकती है, और प्रेगनेंसी को आपने एज हाई रिस्क प्रेगनेंसी लेना है. जो भी हाइपरटेंशन है दैट इज़ हाई रिस्क. फिजियोलॉजिकल फॉल इन ब्लड प्रेशर दैट अकर्स इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर सेकेंडरी टू द पेरिफेरल वैसोडायलेटेशन कैन मास्क क्रोनिक हाइपरटेंशन. तो एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पर हमें आती है, प्रॉब्लम हमें यहाँ पर आती है कि फिजियोलॉजिकल जो चेंज है, फिजियोलॉजिकली क्या होता है कि पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाती है, पेरिफेरल वैसोडायलेटेशन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि फर्स्ट हाफ ऑफ द प्रेगनेंसी के अंदर आपको कम मिलता है ब्लड प्रेशर. तो समटाइम जो पेशेंट क्रोनिक हाइपरटेंशन के साथ होते हैं वो आपको फर्स्ट हाफ ऑफ द प्रेगनेंसी में नहीं प्रेजेंट करते, आपको ब्लड प्रेशर ज़्यादा नहीं मिलता, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से क्रोनिक हाइपरटेंशन जो है ना वो अनमास्क होती है और वो बाद में गेस्टेशनल हाइपरटेंशन के फॉर्म में आप उसे पिक करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अब बुकिंग ब्लड प्रेशर इज 138 by 88 mm of mercury while still technically within normal limits raises the suspicion of an underlying hypertensive tendency. अगर किसी का 138/88 आ रहा है तो हमने कट ऑफ क्या रखा हुआ है 140/90, तो अगर वो यहाँ पर है तो इसका मतलब है कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि ब्लड प्रेशर इससे ज़्यादा हो जो कि अब कम आ रहा है, ठीक है, तो क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कहीं ब्लड प्रेशर कम मिलता है. ओके, व्हाट आर डिग्रीज ऑफ हाइपरटेंशन, ठीक है, डिग्रीज़ को अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करें तो दैट इज़ माइल्ड, मॉडरेट एंड सवियर. अच्छा, याद रखना है कि जो न्यू गाइडलाइंस हैं उसके अंदर माइल्ड, मॉडरेट, सवियर की कोई कैटेगरी नहीं है, सिर्फ दो कैटेगरीज हैं जिसमें एक हाइपरटेंशन और दूसरी का नाम है सवियर हाइपरटेंशन, ठीक है, ये पुरानी कैटेगरीज हैं, बट आपको पता होनी चाहिए कि माइल्ड, मॉडरेट और सवियर हम किसे कहते हैं. माइल्ड है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90-99 mm ऑफ मर्करी एंड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140-149 mm ऑफ मर्करी, ठीक है, एंड मॉडरेट इज़ 100-109 इज़ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज़ 150-159 mm ऑफ मर्करी एंड सवियर इज़ इक्वल टू एंड मोर देन 110 इज डायस्टोलिक एंड इक्वल टू और मोर देन 160 इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर. सवियर की यही है, माइल्ड मॉडरेट को उन्होंने हाइपरटेंशन की कैटेगरी में ऐड कर दिया, सिर्फ दो बॉक्सेज हैं आपके पास. ओके, अब आ जाए आप इनको, खैर आपने या तो डेफिनेटली करना ही करना है, इनको हाईलाइट कर देते हैं फिर भी हम, माइल्ड, मॉडरेट और फिर सवियर, ठीक. प्री एक्लेम्शिया में आ जाएंगे आप, प्री एक्लेम्शिया कॉम्प्लिकेट्स अप्रॉक्सीमेटली 2-3% ऑफ प्रेगनेंसीज, ठीक है, इंसिडेंस क्या है 2-3% और बट द इंसिडेंस वेरीज डिपेंडिंग ऑन द एग्जैक्ट डेफिनेशन यूज्ड एंड द पॉपुलेशन स्टडीड. इसको छोड़ दे, बस इंसिडेंस आपको पता 2-3% है अकॉर्डिंग टू 10 टीचर्स एंड देयर वर 9 डेथ्स ड्यू टू प्री एक्लेम्शिया विच रिप्रेजेंट्स अ सिग्निफिकेंट फॉल फ्रॉम 19 डेथ्स इन 2006 टू 2008, यानी कि 2006 से 2008 में 19 थी और अब 2010 से 12 में इन्होंने कहा है कि डेथ्स जो हैं वो कम है, 9 डेथ्स हैं ओनली. तो ग्लोबली अराउंड 70,000 वुमेन डाई एनुअली ऑफ प्री एक्लेम्शिया मेकिंग इट अ लीडिंग कॉज ऑफ मैटरनल डेथ इन लो रिसोर्स स्टडीज सेटिंग्स, ठीक है. ओके, प्री एक्लेम्शिया इज डिफाइंड एज हाइपरटेंशन ऑफ एटलीस्ट 140/90 mm ऑफ मर्करी रिकॉर्डेड
on at least two separate occasions and at least 4 hours apart, and in the presence of at least 300 milligram protein in 24-hour collection of urine arising de novo after the 20th week of pregnancy in a previously normotensive woman and resolving completely by the 6th postpartum week. तो ये क्या है, ये अगर हम सिर्फ ऊपर हाइपरटेंशन को ले तो हाइपरटेंशन को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि जो सिर्फ 140/90 है 4 आवर्स अपार्ट, और अगर उसके साथ प्रोटीन यूरिया ऐड हो गया दैट इज़ 300 मिलीग्राम प्रोटीन इन 24 आवर यूरिन कलेक्शन, तो हम इसे क्या कह रहे हैं, और दैट इज़ आफ्टर 20th वीक ऑफ गेस्टेशन, तो फिर दैट इज़ प्रीक्लैम्प्शिया. और बिफोर रिस्क फैक्टर्स, प्रीक्लैम्प्शिया इज़ अ मोर कॉमन इन फर्स्ट टाइम मदर, लाइक प्राइमरी कैविडेंस में कॉमन है. इट इज़ थॉट दैट द नॉर्मल फीटो मेटर्नल ट्रांसफ्यूजन दैट अकर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड पर्टिकुलरली ड्यूरिंग डिलीवरी एक्सपोजेस द मदर टू द प्रोडक्ट्स ऑफ फीटस एंड प्लेसेंटा प्लेसेंटल जीनोम एंड प्रोटेक्टिंग हर इन सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज. तो चूँकि एक इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, वैसे भी खैर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है इसमें, लेकिन कहीं ना कहीं इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो कि प्री एक्लेम्शिया कॉज कर रहे हैं. और यहाँ पर चूँकि उन्होंने कहा कि प्राइमरी पेशेंट के अंदर ये प्रॉब्लम ज़्यादा होता है क्योंकि पेशेंट फर्स्ट टाइम एक्सपोज हो रही होती है उन सारे जेनेटिक मेकअप के साथ, तो सेकंड टाइम वो जेनेटिक मेकअप कहीं ना कहीं जहाँ फिटो मेटर्नल ट्रांसफ्यूजन हो जाती है ड्यूरिंग डिलीवरी, ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड और पोस्टमार्टम कहीं पर भी, तो वो जब उससे एक्सपोज हो जाती है मदर, तो फिर उसकी इम्यूनिटी उसके लिए डेवलप हो जाती है, इसलिए नेक्स्ट जो सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज हैं उनमें एक्लेम्शिया का रिस्क कम हो जाता है. तो दिस इज बेसिकली अंडरलाइंग इम्यूनोलॉजिकल पैथोफिजियोलॉजी. ठीक है, ये क्यों इम्यूनोलॉजिकली हम प्राइमरी ग्रेविटाज में होता है, क्यों सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज में नहीं होता, तो अंडरलाइंग कॉजेज इम्यूनोलॉजिकल. रिस्क फैक्टर्स फॉर द प्री एक्लेम्शिया क्या है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी, ये जिस तरह से भी हमने की, ये रिस्क फैक्टर्स आपको याद होने चाहिए. फर्स्ट प्रेगनेंसी है मल्टीपेरस विद प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ प्री एक्लेम्शिया एंड प्री एक्लेम्शिया इन एनी प्रीवियस प्रेगनेंसी 10 years और मोर सिंस लास्ट बेबी एंड एज 40 years और मोर, BMI 35 और मोर, फैमिली हिस्ट्री ऑफ प्री एक्लेम्शिया इन मदर और सिस्टर, बुकिंग डायस्टोलिक प्रेशर ऑफ 80 mm ऑफ मर्करी और मोर एंड बुकिंग प्रोटीन यूरिया इक्वल टू और मोर देन 1+ on more than one occasion or quantified at equal to or more than 0.3 gram per 24 hours. So 0.3 gram 300 milligram बनेगा. Multiple gestation है, certain underlying medical conditions are like pre-existing hypertension, pre-existing renal disease, pre-existing diabetes, antiphospholipid syndrome. So these all are the risk factors for developing preeclampsia. In line with the protective effect, ठीक है, ऑफ द फर्स्ट प्रेगनेंसी सीम्स टू बी लॉस्ट इफ अ वुमेन हैज़ अ चाइल्ड विद अ न्यू पार्टनर. ठीक है, एंड देयर ऑल्सो अपीयर्स टू बी मेटर्नल जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन टू द प्रीक्लैम्शिया एज देयर इज 3-4 fold इंक्रीज इन द इंसिडेंस ऑफ प्रीक्लैम्शिया इन द फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स ऑफ अफेक्टेड वुमेन. ठीक है, अगर कहीं पहले फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में प्रीक्लैम्शिया की हिस्ट्री है, यानी कि फैमिली हिस्ट्री इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो 3-4 fold इंक्रीज रिस्क है कि अभी हो सकता है, या फिर अगर नेक्स्ट जो प्रेगनेंसी है वो किसी न्यू पार्टनर के साथ है तब भी उसमें रिस्क होगा, क्योंकि तरह पता जेनेटिक मेकअप फिर न्यू होगा और पेशेंट उससे एक्सपोज नहीं होगी ऑलरेडी. और सो फाइनली देर आर नंबर ऑफ जनरल मेडिकल कंडीशंस एंड प्रेगनेंसी स्पेसिफिक फैक्टर्स दैट प्रीडिस्पोज टू द डेवलपमेंट ऑफ प्री एक्लेम्शिया. व्हाट अबाउट पैथोफिजियोलॉजी? प्री एक्लेम्शिया ओनली अकर्स इन द प्रेगनेंसी. ठीक है, दैट बट has been described in pregnancies lacking a fetus like a molar pregnancy and in the absence of uterus, abdominal pregnancies, suggesting that it is the presence of trophoblastic tissue that provides the stimulus for the disorder. Okay, general thinking suggests that the development of preeclampsia is a two-stage process. ठीक है, क्या two-stage process है कि विच ओरिजिनेट इन द अर्ली प्रेगनेंसी इन द फर्स्ट स्टेज. फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है, दिस इज द फर्स्ट स्टेज, कि ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन इज पैची एंड द स्पाइरल आर्टरीज रिटेन देयर मस्कुलर वॉल्स. दिस इज थॉट टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ हाई फ्लो लो एम्पिडेंस यूट्रो प्लेसेंटल सर्कुलेशन एंड लीड्स टू यूट्रो प्लेसेंटल इस्कीमिया. ठीक है, क्या है the reason why the trophoblast invades less effectively in these pregnancies is not known but may reflect an abnormal adaptation of the maternal immune system. ठीक है, this is the first stage. क्या क्या हो रहा है second stage में, क्या हो रहा है, फिर हम इसको दोबारा पढ़ते हैं एक दफ़ा. सॉरी, second stage.
सेकेंड स्टेज में यूट्रो प्लेसेंटल इस्कीमिया रिजल्ट्स इन, अच्छा फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा था, यूट्रो प्लेसेंटल इस्कीमिया डेवलप हो रहा था, और वो कैसे डेवलप हो रहा था, क्योंकि जो आर्टरीज हैं जिन्होंने वहाँ पर इन्वेट करना है यूट्रस में, और फिर वो जो यूट्राइन और फिर जो फ्लो मदर से जो उन्होंने ब्लड लेना है, वो आर्टरीज जो हैं वो उनके अंदर एक मस्कुलर वॉल होता है, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वो जो मस्कुलर वॉल है वो टूटता फूटता है, उसकी ब्रेकडाउन होती है, तो आर्टरीज जो हैं चूँकि वैसे जनरली लो कैपेसिटेंस होती है लेकिन वो हाई कैपेसिटेंस बन जाती हैं अपने मस्कुलर वॉल को ब्रेक की ब्रेकडाउन की वजह से। यहाँ पर क्या होता है कि वो अपने मसल को रिटेन रखती हैं, जैसे उन्होंने कहा रिटेन देयर मस्कुलर वॉल, तो रिटेन रखने की वजह से वो उनकी कैपेसिटेंस ज़्यादा नहीं हो पाती, वो ज़्यादा ब्लड नहीं अपने अंदर लेके जा सकती। जब वो ज़्यादा ब्लड नहीं लेके जा सकती तो फिर इस्कीमिया डेवलप हो जाता है। ठीक है, अब सेकंड स्टेज में आपको पता चलेगा कि इस्कीमिया डेवलप होने के बाद होता क्या है, आखिर ये इस्कीमिया क्या करता है। तो यूट्रो प्लेसेंटल इस्कीमिया रिजल्ट्स इन ऑक्सीडेटिव इन्फ्लेमेटरी स्ट्रेस। ठीक है, चूँकि इस्कीमिया डेवलप हो गया उसकी वजह से ऑक्सीडेटिव और इन्फ्लेमेटरी स्ट्रेस हो गया, और ये सॉरी तो ये ऑक्सीडेटिव इन्फ्लेमेटरी स्ट्रेस क्या करेगा, ठीक है, दिस कॉजेज जो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस रिलीज होंगे उनकी वजह से क्या होगा, एंडोथेलियल डिसफंक्शन होगा। अगर आप कहना चाहेंगे थर्ड स्टेज यानी कि लास्टली उन्होंने क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करना है, इफेक्ट ये प्रोड्यूस करना है कि एंडोथेलियल डिसफंक्शन है थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, जगह जगह पे एंडोथेलियल डैमेज होगा जिसकी वजह से मल्टी सिस्टम इन्वॉल्व हो जाता है ना, इसीलिए मल्टी सिस्टम इन्वॉल्व होता है कि जगह जगह पे एंडोथेलियल डैमेज हो रहा है, वेजोस्पैज्म हो रहा है जगह जगह पे, एक्टिवेशन ऑफ द कोगुलेशन सिस्टम हो रहा है। तो ये तीन चीज़ें हो रही हैं जिन्होंने मिल के जो है ना पूरे प्री एक्लेम्शिया की जो आगे कॉन्सिक्वेंसेज हैं उनको बनाना है। ठीक है, ये आप कह सकते हैं कि हम अपने लिए के याद करने के लिए कह रहे थे कि दिस इज़ द थर्ड स्टेज। एट द टारगेट सेल ऑफ द डिजीज प्रोसेस द वैस्कुलर एंडोथेलियल सेल्स इज सो यूनिक लाइक प्री एक्लेम्शिया इज अ ट्रूली मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर। ठीक है, अफेक्टिंग मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम ऑफन कंक्रेंटली। ठीक है, अब हाउ इट अफेक्ट्स द मल्टीपल सिस्टम लाइक कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, नॉर्मल प्रेगनेंसी इज करेक्टराइज बाय द मार्क्ड वेजोडायलेटेशन रिजल्टिंग इन फॉल इन टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस एंड डिस्पाइट एन इंक्रीज इन प्लाज्मा वॉल्यूम एंड कार्डिक आउटपुट, एंड प्रीक्लेम्पशिया इज करेक्टराइज बाय द मार्क्ड पेरिफेरल वेजोकंस्ट्रिक्शन रिजल्टिंग इन हाइपरटेंशन एंड द इंट्रावैस्कुलर हाई प्रेशर एंड लॉस ऑफ एंडोथेलियल सेल इंटेग्रिटी रिजल्ट्स इन ग्रेटर वैस्कुलर परमेबिलिटी एंड कंट्रीब्यूट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ जनरलाइज्ड एडीमा। ठीक है, तो नॉर्मल प्रेगनेंसी में क्या हो रहा है और उसके बाद फिर एबनॉर्मल प्रेगनेंसी में क्या हो रहा है लाइक प्री एक्लेम्पशिया में क्या हो रहा है, तो ये दोनों चीज़ें आपको सिर्फ याद क्या रखना है कि लो प्रेशर हाई फ्लो सिस्टम नॉर्मल प्रेगनेंसी, लो प्रेशर हाई फ्लो सिस्टम नॉर्मल प्रेगनेंसी का फीचर है, और हाई प्रेशर लो फ्लो सिस्टम जो है वो प्री एक्लेम्पशिया का फीचर है। बस दिस इज ऑल दैट यू नीड टू रिमेंबर। रीनल सिस्टम में क्या हो रहा है, इन द किडनीज हाईली करेक्टरिस्टिक लियन कार्ड ग्लोमेरुलो एंडोथेलियोसिस इज सीन एंड दिस इज रिलेटिवली स्पेसिफिक फॉर प्री एक्लेम्पशिया। क्या है ग्लोमेरुलो एंडोथेलियोसिस है, दिस इज़ द एमसीक्यू पॉइंट। क्या है एमसीक्यू पॉइंट हमारे पास, कि ग्लोमेरुलो एंडोथेलियोसिस डेवलप होता है, और कैसे ग्लोमेरुलो एंडोथेलियोसिस डेवलप होता है ये किसका फीचर है, लाइक वो पूछ लेंगे कि रीनल करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है इन प्री एक्लेम्पशिया, तो दैट इज़ ग्लोमेरुलो एंडोथेलियोसिस एंड इट इज़ नॉट सीन विद अदर hypertensive disorders and is associated with the impaired glomerular filtration and selective loss of intermediate weight proteins such as albumin and transferrin leading to proteinuria and this is turn causes reduction in the plasma oncotic pressure and exacerbates the development of edema. तो आपको पता है कि edema is a very important feature of preeclampsia. ठीक, तो what happens, प्रोटीन्स आना शुरू हो जाएंगी, ऑनकॉटिक प्रेशर कम हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखें तो उन्हें क्या कहा गया, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, एबनॉर्मल इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, डेफिशिएंट ट्रोफोब्लास्ट इन्वेजन है, हाइपोपरफ्यूजन ऑफ द प्लेसेंटा है, सर्कुलेटिंग फैक्टर्स बन रहे हैं जो कि वैस्कुलर एंडोथेलियल सेल एक्टिवेशन कर रहे हैं और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। तो दिस इज़ टू स्टेज डिजीज ऑफ प्री एक्लेम्पशिया।
ओके, व्हाट हैपन्स इन हेमेटोलॉजिकल सिस्टम इन द इवेंट ऑफ एंडोथेलियल डैमेज. अब चूँकि एंडोथेलियल डैमेज हो रहा है, एंडोथेलियल डैमेज होने की वजह से क्या होगा कि प्लेटलेट्स जो हैं वो आके यहाँ पर जुड़ेंगे जहाँ पर एरिया डैमेज है. डिफ्यूज वैस्कुलर डैमेज इज एसोसिएटेड विद लेइंग डाउन ऑफ द फाइब्रिन. ठीक, तो उसमें होता क्या है, फाइब्रिन जो है वो उसकी डिपोजिशन होगी एंड प्रीक्लैम्प्शिया इज एसोसिएशन विद द इंक्रीज फाइब्रिन डिपोजिशन एंड रिडक्शन इन प्लेटलेट काउंट मे अकम्पनी एंड ओकेजनली प्रीडेट द ऑनसेट ऑफ डिजीज़. तो हो क्या रहा है, प्लेटलेट कंज्यूम हो रहे हैं, फाइब्रिन डिपोजिशन हो रही है, फाइब्रिन बन रहा है और प्लेटलेट कम हो रहे हैं, तो कंजम्पटिव कोगुलोपैथी हो रही है. यहाँ पर कंज्यूम हो रहे हैं प्लेटलेट्स हमारे, वो कम हो रहे हैं उनकी वजह से. तो लिवर में क्या हो रहा है, एंड सब एंडोथेलियल फाइब्रिन डिपोजिशन हो रही है इज एसोसिएटेड विद एलिवेशन ऑफ द लिवर एंजाइम्स. उसकी वजह से लिवर एंजाइम ज़्यादा हो रहे हैं एसोसिएटेड विद हीमोलिसिस एंड लो प्लेटलेट काउंट ड्यू टू प्लेटलेट कंजम्पशन. कंजम्पशन की हम पहली बात कर चुके हैं. द प्रेजेंस ऑफ दीज फाइंडिंग्स, इसको हम क्या कह रहे हैं कि वो हेल्प डेवलप हो रहा है, हिमोलिसिस एंड एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स एंड लो प्लेटलेट काउंट. हेल्थ सिंड्रोम इज अ पर्टिकुलरली सिवियर फॉर्म ऑफ प्रीक्लैम्प्शिया और इसका इंसिडेंस क्या है, 2-4% ऑफ वुमेन एंड एसोसिएटेड विद मोर्टेलिटी कितनी है, अप टू 60%, हाई फीटल लॉस रेट अप टू 60% है. हेल्थ सिंड्रोम के फीचर्स क्या हैं कि एक्रोडिम फॉर हिमोलिसिस एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स एंड लो प्लेटलेट काउंट. हेल्थ सिंड्रोम टिपिकली प्रेजेंट विद एपिगेस्ट्रिक पेन, नॉजिया, वॉमिटिंग, हाइपरटेंशन, मे बी माइल्ड और इवन एबसेंट. हेल्थ सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद अ रेंज ऑफ सीरियस कॉम्प्लिकेशंस इंक्लूडिंग एक्यूट रीनल फेलियर, प्लेसेंटल एब्रप्शन एंड स्टिल बर्थ. एंड मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ सिंड्रोम इन्वॉल्व स्टेबलाइजिंग द मदर, करेक्टिंग एनी कोएगुलोपैथी डेफिसिट एंड असेसिंग द फीटस फॉर डिलीवरी. ओके, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम. ठीक है, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में क्या, डेवलपमेंट ऑफ द कन्वर्जेंस इन अ वुमेन विद प्री एक्लेम्शिया नोन एज एक्लेम्शिया. जो एक्लेम्शिया डेवलप हो रहा है दैट इज न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन. एंड वेजोस्पैज्म एंड सेरिब्रल एडिमा हैव बोथ बीन कॉम्प्लिकेटेड इम्प्लिकेटेड इन द पैथोजेनेसिस ऑफ एक्लेम्शिया. तो अक्सर पूछ लेते हैं कि जो एक्लेम्शिया है उसमें वेजोस्पैज्म होता है या वेजोडाइलेटेशन होती है, तो उसमें बेसिकली वेजोस्पैज्म हो रहा है. ठीक है, रेटिनल हैमरेजेस, एक्सुडेट्स एंड पेपलडीमा आर करेक्टरिस्टिक ऑफ द हाइपरटेंसिव एनकेफलोपैथी एंड आर रेयर इन प्री एक्लेम्शिया, सजेस्टिंग दैट द हाइपरटेंशन अलोन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेरिब्रल पैथोलॉजी. तो क्या चीज़ें मजीद बन रही हैं, रेटिनल हेमरेजेस एंड पेपलडीमा, जो कि किसके हाइपरटेंसिव एनकेफलोपैथी की फीचर्स हैं. ठीक, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है कि क्लासिक सिम्टम्स जो प्रीक्लैम्प्शिया के फ्रंटल हेडेक क्लासिकल सिम्टम्स है. ये वो सारे सिम्टम्स हैं जो हम अपनी हिस्ट्री में रोज़ाना पूछ रहे होते हैं कि आपको सर में दर्द तो नहीं होता, आपको दिखने आपको नज़र का कोई मसला तो नहीं है, आपको धुंधला तो नहीं दिखाई देता, दो दो नज़र आते हैं, या फिर आपको एपिगेस्ट्रिक पेन तो नहीं, आपको मैदे में दर्द तो नहीं होता या पेट के ऊपर वाले हिस्से में आपको दर्द तो नहीं होता. तो हाउ एवर द मेजॉरिटी ऑफ वुमेन विद प्री एक्लेम्शिया आर एसिम्टोमेटिक और मेयरली कंप्लेन ऑफ जनरल वेक फ्लू लाइक सिम्टम्स. क्लिनिकल एग्जामिनेशन शुड इंक्लूड अ कंप्लीट ऑब्स्टेट्रिक न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन. ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री, अच्छा, हाइपरटेंशन इज यूजुअली द फर्स्ट साइन बट ओकेजनली इज एब्सेंट और ट्रांजिएंट अंटिल द लेट स्टेजेस ऑफ द डिजीज. ठीक है, हाइपरटेंशन जो है वो फर्स्ट साइन है बट इसमें हो क्या रहा है, इज यूजली फर्स्ट टाइम बट ओकेजनली इज एबसेंट और ट्रांजियंट अंटिल द लेट स्टेजेज ऑफ द डिजीज. डिपेंडेंट एडिमा ऑफ द फीट इज वेरी कॉमन इन हेल्दी प्रेगनेंट वुमेन एंड हाउ एवर रैपिडली प्रोग्रेसिव एडिमा ऑफ द फेस एंड हैंड्स मे सजेस्ट प्री एक्लेम्शिया. अच्छा, अक्सर पेशेंट्स आते हैं जिनके अंदर ऑल ऑफ द सडन जो है ना वो एडिमा डेवलप होना शुरू हो जाता है. तो दिस इज़ अ वार्निंग साइन कि पेशेंट जो है प्री एक्लेम्शिया डेवलप कर रही है और उसको इंट्राउटराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन भी साइमल्टेनियसली साथ साथ हो सकती है. ठीक है, तो बी विजिलेंट फॉर दिस साइन. क्या बताया उन्होंने, रैपिडली प्रोग्रेसिव एडिमा ऑफ द फेस एंड हैंड्स मे सजेस्ट प्री एक्लेम्शिया. एपिगेस्ट्रिक टेंडरनेस इज अ वरिंग साइन एंड सजेस्ट लिवर इन्वॉल्वमेंट. और अगर एपिगेस्ट्रिक पेन साथ हो रही है तो इसका मतलब ये है कि लिवर इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है. अब यूँ आप हिस्ट्री पे सजेस्ट कर सकते हैं ना, कि हिस्ट्री बेस पे आप बात कर सकते हैं कि कौन सा जो सिस्टम है वो इन्वॉल्व हो रहा है या हुआ है या. ठीक है,
तो न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में रिवील हाइपर रिफ्लेक्सिया एंड क्लोनस इन सीवियर केसेस। तो जैसे कि न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन हम करते भी हैं यहाँ पर, तो उससे हमें पता चलता है कि जी न्यूरोलॉजिकल जो है ना वो भी इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हो गई है। तो यूरिन टेस्टिंग फॉर द प्रोटीन शुड कंसीडर पार्ट ऑफ द क्लिनिकल एग्जामिनेशन, वो भी हमने करना है। हमें पता चलेगा कि जी रीनल सिस्टम हमारा इन्वॉल्व हो चुका है। तो क्या बात कर रहे हैं जी, यूरिन एनालिसिस प्रोटीन यूरिया की टेस्टिंग हमने कैसे करनी है, इंस्टेंट रिजल्ट बट क्वालिटेटिवली इनएक्यूरेट है। डिपस्टिक से आप करते हैं या प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशियो करते हैं। इसमें क्या है कि ट्रेस आपका सेल्डम सिग्निफिकेंट होता है एंड प्लस वन पॉसिबल सिग्निफिकेंट प्रोटीन यूरिया वॉरेंट्स क्वांटिफाइंग। प्लस वन का मतलब ये है कि आप क्वांटिफाई करें, हो सकता है कि ये सिग्निफिकेंट हो, और प्रोबेबल सिग्निफिकेंट अगर प्लस टू है तो प्रोटीन यूरिया। इसका मतलब ये है कि हमने क्वांटिफिकेशन करनी है, यानी कि प्लस वन में भी आपने करनी है और प्लस टू में भी करनी है। प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशियो क्या है, फास्ट है, विद इन वन और इसका रिजल्ट आ जाता है, और सेमी क्वांटिटेटिव है, यानी कि मोर देन 30 mg/mmol अगर आपको आ रहा है तो प्रोबेबल सिग्निफिकेंट प्रोटीन यूरिया है। इसके अलावा 24 आवर कलेक्शन जो है वो स्लो होती है, स्लो प्रोसेस है बेसिकली, और इसके अंदर एरर के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। 300 mg/24 hours अगर है तो दैट इज़ सिग्निफिकेंट। तो ये कंफर्म कर देते हैं सिग्निफिकेंट प्रोटीन यूरिया को। अभी भी हम प्रोबेबल पे हैं और कंफर्मेशन फिर भी 24 आवर ही है। अच्छा, यहाँ पर एक और टेस्ट मेंशन नहीं है जिसे हम एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो भी कहते हैं, ठीक है। और एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो अगर 8 mg/mmol हो तो हम उसे कहते हैं कि दैट इज़ सिग्निफिकेंट। इसे मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट, देयर इज़ नो क्योर फॉर द प्रीएक्लेम्शिया अदर देन टू एंड द प्रेगनेंसी बाय डिलीवरिंग द बेबी एंड प्लेसेंटा। कोई और इसके अलावा आपको बेनिफिट नहीं है, यानी कि कोई और मैनेजमेंट नहीं हो सकती प्रीएक्लेम्शिया की। ऑल्दो के मैनेजमेंट इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन फाइनल क्योर जो है वो यही है कि आप डिलीवर करें इसको, ठीक है। तो ऑल्दो कि हमने डिलीवरी हमने यूँ नहीं करना कि आ गया प्रीएक्लेम्शिया के साथ तो हमने डिलीवर कर देना है, उसके अंदर हमारा बहुत सारा प्रोटोकॉल है। तो इसके साथ दिस कैन बी सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम इफ़ द प्रीएक्लेम्शिया अकर्स अर्ली इन प्रेगनेंसी पर्टिकुलरली एट गेस्टेशन बिलो 34 वीक्स। देयरफॉर मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज आर एम्ड एट मिनिमाइजिंग रिस्क ऑफ द रिस्क टू द मदर इन ऑर्डर टू परमिट कॉन्टिन्यूड फीटल ग्रोथ। In severe cases, this is not often possible. And principle of management of preeclampsia क्या है, early recognition of the symptom, less syndrome, awareness of the serious nature of the condition, adherence to the agreed guidelines for the admission to the hospital, investigation in the use of antihypertensive and anticoagulant therapy, well timed delivery to preempt serious maternal and fetal complications, and postnatal follow-up and counseling for future pregnancies. नेक्स्ट क्या है कि मैनेजमेंट ऑफ प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड बाय प्रीएक्लेम्शिया। तो एडमिट आपने क्या अगर माइल्ड हाइपरटेंशन है, मॉडरेट हाइपरटेंशन है या सीवियर हाइपरटेंशन है, ये पुराना प्रोटोकॉल है। अगर न्यू प्रोटोकॉल की बात करें तो उसमें ये चीज़ें नहीं हैं, बट यू मस्ट नो दीज थिंग्स कि आपका क्वेश्चन जो है वो इसमें से भी आ सकता है। पुराना क्या था कि माइल्ड मॉडरेट सीवियर हम हाइपरटेंशन की बात कर चुके। इसमें आपने एडमिशन हॉस्पिटल में किस कंडीशन में करना है, पहले यही कहते थे कि जहाँ सब प्री एक्लेम्शिया का वर्ड आ गया ना, एडमिट द पेशेंट इन द हॉस्पिटल, ठीक है, एडमिशन वहाँ पर हो गया, क्योंकि माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर, बट प्री एक्लेम्शिया आपने एडमिट करना है। अब ट्रीटमेंट, माइल्ड में ट्रीटमेंट नहीं देंगे हम, मॉडरेट में हम ओरल लिबिटालोल, दिस इज़ द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट टू कीप डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बिटवीन 80-100 mm ऑफ मर्करी, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 150 mm ऑफ मर्करी, एंड सीवियर है तो विद ओरल लिबिटालोल एज फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट टू कीप डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बिटवीन 80-100 एंड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 150। ये भी चेंज हो गया है, अब पहले जो है ना 150/100 था कि आपने उसको रखना है, और मिनिमम जो डायस्टोलिक था वो 80 था, और अब जो है वो कहते हैं कि 130/85 mm ऑफ मर्करी आपका टारगेट लेवल है, ठीक। मेजर आपने ब्लड प्रेशर जो मेजर करना है वो कब कब करना है, माइल्ड हाइपरटेंशन है तो एटलीस्ट 4 times a day करना है, इसमें भी 4 times a day करना है, और उसमें मोर देन 4 times a day करना है, बल्कि इवन आपने और अर्ली करना है, क्योंकि सीवियर प्रीक्लेम्शिया है ना, जब तक वो नॉर्मलाइज ना हो जाए, नॉर्मल हो जाएगा तो फिर आप उसको करेंगे। तो एटलीस्ट जो भी है हमारा 4 times a day है। टेस्ट फॉर प्रोटीन यूरिया, डू नॉट रिपीट क्वांटिफिकेशन ऑफ प्रोटीन यूरिया, एक दफ़ा आपने क्वांटिफाई कर लिया, आपने दोबारा रिपीट नहीं करनी, क्वांटिफिकेशन रिपीट नहीं करनी। और गाइडलाइंस में लिखा भी है कि अगर पेशेंट की कंडीशन वर्स हो जाती है तो आप रिपीट कर सकते हैं। डू नॉट रिपीट एंड डू नॉट रिपीट,
ब्लड टेस्ट आपने कौन कौन से करने हैं, मॉनिटर यूजिंग द फॉलोइंग टेस्ट ट्वाइस अ वीक, किडनी फंक्शन टेस्ट, इलेक्ट्रोलाइट, फुल ब्लड काउंट, ट्रांसएमिनेसिस, बिलिरुबिन ट्वाइस अ वीक। यहाँ पर सेकंड में क्या है, अगर मॉडरेट है तो थ्राइस अ वीक करें, और अगर सिवियर है तो फिर भी आपने थ्राइस अ वीक ही करना है टेस्ट को। टू मॉनिटर फीटल कॉम्प्लिकेशंस, अल्ट्रासाउंड असेसमेंट करेंगे, फीटल साइज देखेंगे, एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम देखेंगे, मैटरनल फीट एंड फीटल डॉपलर करेंगे, डिपेंड करता है, और एंटीनेटल कार्डियोटोकोग्राफी यूज इन कंजंक्शन विद द अल्ट्रासाउंड सर्वेलेंस प्रोवाइड्स यूजफुल बट नो मीन्स इनफेलिएबल इंडिकेशन ऑफ फीटल वेलबींग, लॉस ऑफ बेसलाइन वेरिएबिलिटी और डिसलरेशन मे इंडिकेट हाइपोक्सिया। दिस इज़ अबाउट, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन क्या है, द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ डेथ इन वुमेन हु डाई ऑफ प्रीएक्लेम्पसिया इन यूके इज सेरेब्रल ब्लीडिंग सेकेंडरी टू अनकंट्रोल्ड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। देयरफॉर द एम ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी इज टू लोअर द ब्लड प्रेशर एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ मेटरनल सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट विदाउट रिड्यूसिंग यूट्राइन ब्लड फ्लो एंड कॉम्प्रोमाइजिंग द फीटस। There are a variety of antihypertensive used in the management of preeclampsia, और उसमें कौन कौन सी है, मिथाइल टोपा है हमारे पास, फर्स्ट लाइन आपको बतानी चाहिए कि क्या है, ठीक है। मिथाइल टोपा इज सेंट्रली एक्टिंग, ये भी पूछ लेते हैं कि मिथाइल टोपा जो है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट है, लॉन्ग एस्टेब्लिश सेफ्टी रिकॉर्ड है इसका, एंड इट कैन ऑल्सो गिवन ओरली, ओरली दी जा सकती है। सबको पता है इट टेक्स अप टू अपवर्ड ऑफ 24 आवर्स टू टेक इफेक्ट एंड हैज़ अ रेंज ऑफ अनप्लेजेंट साइड इफेक्ट्स, ठीक है, सिडेशन या फिर डिप्रेशन वाले साइड इफेक्ट्स इसके होते हैं। और कितना टाइम ले रही है ये, तकरीबन 24 आवर्स की, जब तक कि ये चीज़ों को कंट्रोल करेगी अपना इफेक्ट शो करने के लिए। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कितना टाइम लेगी एल्डोमेट। दीज प्रॉपर्टीज लिमिट इट्स यूजफुलनेस एंड लेबिटलोल, लेबिटलोल अब क्या है, लेबिटलोल जो है वो अल्फा ब्लॉकिंग, ये फर्स्ट लाइन भी है, ठीक है। और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगेन अब वो पूछेंगे आपसे कि अल्फा ब्लॉकिंग है एंड बीटा ब्लॉकिंग, ठीक है, ये भी एमसीक्यू में पूछते हैं कि ये अल्फा बीटा दोनों को ब्लॉक करती है। एंड इट हैज़ अ गुड सेफ्टी रिकॉर्ड इन प्रेगनेंसी एंड कैन बी गिवन ओरली, ओरली भी दी जा सकती है, और इसका एक और बेनिफिट है ये आईवी भी दी जा सकती है। एंड फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस इन मोस्ट नेशनल गाइडलाइंस इंक्लूडिंग द करंट नाइस गाइडलाइन हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, उसमें क्या है, निफेडिपिन इज अ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर विद अ रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, ठीक है। एक ये भी है कि निफेडिपिन भी आप दे सकते हैं और इसका रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन भी है। इट कैन हाउएवर कॉज सीवियर हेडेक दैट मे मिमिक वर्सनिंग डिजीज एंड इन सीवियर केसेस ऑफ फिल्मिनेटिंग डिजीज एंड इंटरवीनस इन्फ्यूजन ऑफ हाइड्रोलाजीन और लेबिटलोल कैन बी टाइट्रेटेड रैपिडली अगेंस्ट चेंजेस इन द ब्लड प्रेशर। तो निफेडिपिन जो है वो सीवियर हेडेक कॉज करती है और लगता है ऐसे जैसे डिजीज़ जो है वो मजीद सीवियर हो गई है, ठीक है। ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन क्या है, प्री एक्लेम्पसिया इज डिफाइंड एज द प्रेजेंस ऑफ टॉनिक क्लॉनिक कन्वर्जेंस इन अ वुमन विद प्री एक्लेम्पसिया एंड इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर आइडेंटिफाइबल कॉज टॉनिक क्लॉनिक फिट्स आ गए इन प्रेगनेंसी अंटिल अनलेस प्रूवन अदरवाइज दिस इज एक्लेम्पसिया, ठीक है। अगर आपको कोई भी टॉनिक क्लॉनिक फिट्स का क्वेश्चन आता है प्रेगनेंसी में, अगर आपको एग्जैक्टली नहीं पता कि पहले उसको बिफोर प्रेगनेंसी था नहीं था, तो कन्फ्यूज हुए बगैर दैट इज एक्लेम्पसिया, ओके। द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्लेम्पसिया इज क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, वन एंड ओनली ड्रग। दिस इज गिवन इंटरवीनियसली एंड हैज़ बीन शोन टू रिड्यूस इंसिडेंस ऑफ फर्दर कन्वर्जेंस इन वुमेन विद एक्लेम्पसिया। मैग्नीशियम सल्फेट शुड ऑल्सो बी यूज्ड इन वुमेन विद सीवियर प्री एक्लेम्पसिया टू प्रिवेंट द ऑनसेट ऑफ कन्वर्जेंस। द मैनेजमेंट ऑफ एक्लेम्पसिया इज ओके एंड ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन से मिल जाएगा। स्क्रीनिंग एंड प्रिवेंशन कैसे हो सकती है, द एक्यूरेट प्रिडक्शन ऑफ द वुमेन एट रिस्क ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्री एक्लेम्पसिया विल फैसिलिटेट द टारगेटिंग of the increased antenatal surveillance while allowing women at low risk to participate in community based antenatal care and predictive test would in turn facilitate the development of novel therapeutic preventive interventions. Unfortunately, there is currently no screening test for the preeclampsia. Despite intensive research this area, no single blood biomarker has emerged. तो कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं है। द एबिलिटी ऑफ डॉपलर अल्ट्रासाउंड यूट्राइन आर्टरी डॉपलर वेवफॉर्म एनालिसिस टू आइडेंटिफाई वुमेन एट रिस्क ऑफ प्री एक्लेम्पसिया एंड अदर एडवर्स प्रेगनेंसी आउटकम हैज बीन इन्वेस्टिगेटेड विद वेरिंग सक्सेस
एंड इन प्रेगनेंसीज विद इनकम्प्लीट ट्रोफोब्लास्टिक रीमॉडलिंग ऑफ द स्पायरल आर्टरीज. अच्छा, ये रीमॉडलिंग के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है कि स्पायरल आर्टरीज की रीमॉडलिंग नहीं है तो इसका मतलब क्या है, मतलब प्रीक्लैम्पशिया के अंदर क्या अंडरलाइंग पैथोलॉजी है तो रीमॉडलिंग नहीं हो पाती इसकी. ठीक है, और इसके अलावा क्या है, एक तो ये रीमॉडलिंग का एमसीक्यू है और इनकम्प्लीट रीमॉडलिंग ऑफ द स्पायरल आर्टरीज, तो क्या आता है इसमें, करैक्टरिस्टिक नॉच आती है. ठीक है, कैन बी सीन इन द वेव फॉर्म दैट फ्रीक्वेंटली ऑल्सो डिमॉन्स्ट्रेट हाई रेजिस्टेंस. ठीक है, वो भी आपको इसमें मिल सकता है. नेक्स्ट क्या है कि अच्छा ये भी पूछते हैं कि क्या मिलेगा आपको यूट्राइन आर्टरी अगर डॉपलर आप कर रहे हैं 24 वीक्स पे, हाई रिस्क पेशेंट है तो यूट्राइन आर्टरी डॉपलर पे आपको नॉच मिलेगी जो शो करेगी कि इनकम्प्लीट ट्रोफोब्लास्ट की इनकम्प्लीट रिमॉडलिंग है. ठीक है, असेसमेंट ऑफ इटर वेलबींग, दिस स्क्रीनिंग टेस्ट मे हैव अ रोल इन वुमेन हु हैव ऑलरेडी बीन आइडेंटिफाइड एज बीइंग एट रिस्क ऑफ डिजीज बिकॉज ऑफ देयर मेडिकल और पास्ट ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री. इसमें ना दो तीन तरह के टेबल्स हैं, हम आगे आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊँगी. जैसे स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज का टेबल है, वो आपको बताता है कि आपने ये रिस्क फैक्टर्स हों तो आपने उसको डॉपलर पे नेक्स्ट टाइम जो है वो कैसे डॉपलर के ऊपर आपने उसको सीरियल असेसमेंट करनी है, यूट्राइन आर्टरी डॉपलर करना है या आपने क्या करना है, एक ये चीज़. और उसके अलावा हाइपरटेंशन के अपने रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी बेसिस पे आपने उनको लोप्रिन वगैरह स्टार्ट करनी होती है, तो वो हाई रिस्क और मॉडरेट रिस्क फैक्टर्स इस तरह से हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ. एस्टैब्लिश्ड प्रिवेंटिव इंटरवेंशंस इंक्लूड लो डोज एस्पिरिन टिपिकली 75 मिलीग्राम डेली विच मॉडेस्टली रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ प्रीक्लैम्पशिया इन हाई रिस्क वुमेन. ठीक है, तो ये कौन सी कैटेगरी है, कैल्शियम सप्लीमेंटेशन में ऑल्सो रिड्यूस द रिस्क बट ऑल्सो ओनली इन वुमेन विद लो डाइट्री इनटेक. अच्छा, अब एक तो आ जाता है क्वेश्चन लोप्रिन पे. लोप्रिन पे क्या, ये जो पैराग्राफ है इसमें, अच्छा इसमें तो वैसे नहीं दिए हुए लेकिन मैं आपको बताती हूँ इसमें एमसीक्यूज हैं कौन से. एक आता है इसमें क्वेश्चन कि लोप्रिन आप कब देंगे, कब से शुरू करेंगे टू प्रिवेंट, के प्रीक्लैम्पशिया को प्रिवेंट करने के लिए, तो इसमें आप 16 वीक से पहले आपने स्टार्ट करनी है, एक चीज़. दूसरा इसमें क्वेश्चन आता है कि कौन सा अदर देन लोप्रिन या फिर अदर देन जो है वो आपने कौन सा न्यूट्रिशन है, कौन सी चीज़ है जो आप देते हैं टू प्रिवेंट प्रीक्लैम्पशिया. तो ऑल्दो के भी कोई भी चीज़ ऐसा रिकमेंडेड नहीं है लेकिन इसमें हम इसमें हम लोग कैल्शियम अपने आंसर चूज़ करना है. ठीक है, ये भी एमसीक्यू आएगा और वीक्स मैंने आपको बता दिया. एडिशनल पॉइंट्स इन द मैनेजमेंट क्या है कि आइट्रोजेनिक प्रीमेच्योर डिलीवरी ऑफ द फीटस इज ऑफन रिक्वायर्ड इन सीवियर प्रीक्लैम्पशिया इफ हर कंडीशन अलाउज द मदर शुड बी ट्रांसफर टू अ सेंटर विद एडिक्वेट फैसिलिटीज टू केयर फॉर हर बेबी एंड प्रायर टू 34 वीक्स ऑफ गेस्टेशन स्टेरॉइड्स शुड बी गिवन. अगर 34 वीक से पहले आप डिलीवर करने जा रहे हैं तो आपने स्टेरॉइड्स देना है, या फिर 39 वीक से पहले आप उसका सेक्शन करने जा रहे हैं तो आपने उसको स्टेरॉइड्स देना है, और जो कि इंट्रामस्कुलर देना है टू द मदर एंड टू रिड्यूस द चांस ऑफ न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम. डिलीवरी बिफोर टर्म इज ऑफन बाय सीजेरियन सेक्शन. सच पेशेंट्स आर एट पर्टिकुलरली हाई रिस्क फॉर थ्रोम्बोएम्बोलिज्म एंड शुड बी गिवन प्रोफिलैक्टिक सबक्यूटेनियस हेपरिन एंड इश्यूड विद एंटी थ्रोम्बोएम्बोलिक स्टॉकिंग्स इन केस ऑफ स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस्ड लेबर एंड इफ क्लॉटिंग स्टडीज आर नॉर्मल एपिड्यूरल एनेस्थीसिया इज इंडिकेटेड एज इट हेल्प्स कंट्रोल ब्लड प्रेशर एंड एर्गोमेट्रिन जो है वो हमने अवॉइड करना है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एमसीक्यू क्वेश्चन है आईएमएम लेवल पे स्पेशली, कि कौन सी चीज़ को आप, कौन सा जो है वो यूट्रोटॉनिक है जिसको आप अवॉइड करते हैं जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है इन केस ऑफ हाइपरटेंशन, इन केस ऑफ कार्डियक डिजीज, दैट इज एर्गोमेट्रिन. ठीक है, पोस्ट नेटली ब्लड प्रेशर एंड प्रोटीन यूरिया विल रिजॉल्व हाउ एवर इन द माइनॉरिटी ऑफ केसेज वन और बोथ पर्सिस्ट बियॉन्ड 6 वीक्स एंड दिस सजेस्ट दैट द प्रेजेंस ऑफ अंडरलाइंग क्रोनिक हाइपरटेंशन. तो क्रोनिक हाइपरटेंशन को आप लोग रिट्रोग्रेड कैसे डायग्नोज करते हैं, कि अगर 6 वीक्स पे जाकर भी पेशेंट का ब्लड प्रेशर ठीक नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि दैट इज़ क्रोनिक हाइपरटेंशन. दिस इज आप कह सकते हैं कि अदर डेफिनेशन ऑफ क्रोनिक हाइपरटेंशन. तो पोस्ट नेटल जो है वो सिग्निफिकेंस है इसकी. तो अब क्रोनिक हाइपरटेंशन हो सकती है, रीनल डिजीज हो सकती है. केयरफुल सर्च शुड बी मेड पोस्ट नेटली फॉर अंडरलाइंग मेडिकल डिसऑर्डर इन वुमेन हु प्रेजेंट विद अ सीवियर प्रीक्लैम्पशिया बिफोर 34 वीक्स. अगर बिफोर 34 वीक्स आती है तो आपको पता है एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है वो APLS भी कंसिडर होती है, कि अगर हमें 34 वीक्स से पहले जल्दी डिलीवर करना पड़ता है, बेबी भी IUGR है, प्लेसेंटल इंसफिशेंसी का एविडेंस भी है, तो इसका मतलब है कि APLS हो सकता है इस पेशेंट को.
की पॉइंट्स क्या हैं कि प्रीक्लैम्पशिया इज़ अ मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर, नो क्योर अदर देन डिलीवरी, एंड एम ऑफ मैनेजमेंट इज टू स्टेबलाइज द मेटरनल ब्लड प्रेशर, प्रिवेंट सीजर एंड सेरिब्रल ब्लीडिंग. क्रोनिक हाइपरटेंशन,